आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ऑल ऑफ डेड का पार्ट टू सेकंड एक्सप्लेन करने वाले हैं। गाइस अगर आपने हमारा फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मूवी की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहले हमें योजान हाई स्कूल दिखाया जाता है, जहाँ ऑफिस में प्रिंसिपल अपने पूरे स्टाफ को बोलता है स्कूल की बात स्कूल में ही रहनी चाहिए, बाहर लीक नहीं होनी चाहिए। तभी मिस पाक बोलती है मुझे सभी स्टूडेंट को यहाँ से भागने के लिए बोलना है, और मिस पाक वहाँ से निकल जाती है। और इधर हम देखते हैं चोकसान ओंजो को उन ज़ॉम्बीज से बचाता है, जहाँ वह बुरी तरह से फंस जाते हैं। तभी चोकसान की नज़र एक विंडो पर पड़ती है, जहाँ वह अपनी जात औरों को भी वहाँ से निकालता है। तभी वह वहाँ से किसी भी तरह उस विंडो से वहाँ से निकल जाते हैं, और वह अपनी जान बचाते हुए एक क्लास में पहुँचते हैं, जहाँ पर उन्हें बाकी उनके क्लासमेट मिलते हैं। तभी सीन चेंज होता है और हम देखते हैं सियोग को। सियोग नामरो को उन ज़ॉम्बीज से बचा रहा होता है। सियोग की नज़र स्कूल के माली पर पड़ती है, जो कि सीढ़ियों पर होता है, और वह अपनी जान उन ज़ॉम्बियों से बचा रहा होता है। तभी वह ज़ॉम्बी उस माली को कट खा लेते हैं, और सियोग सीढ़ी की मदद से नामरो को लेकर उसी क्लास में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर उनके बाकी क्लासमेट होते हैं। अभी हमें अगले सीन में योंजो को दिखाते हैं, जो फर्स्ट पार्ट में इन्फेक्टेड हो चुकी थी। उसे एम्बुलेंस में योसान हॉस्पिटल में लाया जाता है। तभी डॉक्टर पूछते हैं ये सब क्या। नामसुजन बताता है इसे दौरा पड़ा था, इसी वजह से इसके चोट आई। मिस्टर ली को देखते हैं, जहां पुलिस उससे पूछताछ करती है। डिटेक्टिव को कहता है तुमने योंजो को किडनैप क्यों किया। मिस्टर ली कहता है इन्हीं की वजह से मेरा बेटा मर चुका है। डिटेक्टिव कहता है तुमने ही अपने बेटे को मारा। यह बात सुनकर मिस्टर ली को काफी गुस्सा आता है, और वह सब कुछ सच सच बता देता है। मैंने एक वायरस बनाया जिसका नाम हैरी पैरी डॉल है। मैंने सबसे पहले वह वायरस अपने बेटे को दिया, यह सोचकर मेरा बेटा किसी से नहीं डरेगा और सबसे ताकतवर होगा। और इन्फेक्शन के एक दिन उसने अपनी माँ को ही काट लिया। मैंने उसे यह वायरस 17 दिन तक के दिया। डिटेक्टिव यह सुनकर उसे गाली और उसे उस पर काफी गुस्सा होने लगता है। अगले सीन में हम देखते हैं डॉक्टर योंजो का टेस्ट कर रही होती है। तभी वह ज़ॉम्बी में बदलने लगती है। यह सब देखते डॉक्टर उसे मशीन से बाहर लाते हैं, जो उस लेडी डॉक्टर को काट लेती है। वह अपनी जान बचाते हुए बाहर मदद मांगती है। हम एक वैन को देखते हैं, योसान हाईस्कूल की होती है, जिसके अंदर एरचेरी के स्पोर्ट बच्चे होते हैं, और उनका स्पोर्ट टीचर चंगेरी को खड़ा करता है और उसके इंसर्ट करने लगता है। तभी वैन स्कूल में पहुंचती है। तभी एक ज़ॉम्बी वैन से आकर टकरा जाता है, और यह सब देखकर काफी वह चौंक जाते हैं, आखिर ये हो क्या रहा है। और इधर वह सब स्टूडेंट क्लास में मोबाइल ढूंढ रहे होते हैं। तभी इसाक को मोबाइल मिलता है, और वह इमरजेंसी कॉल पुलिस को करते हैं। चोंगसान ऑफिसर को बताता है सर यहाँ पर सभी बच्चे ज़ॉम्बी बन गए हैं, और हमें आपकी मदद चाहिए। लेकिन ऑफिसर बच्चों की मजाक समझकर कॉल को रखता है। तभी उनके पास एक के बाद एक ज़ॉम्बी की शिकायत के कॉल आने लगते हैं। समय बीतने के बाद सारा की घमंडी लड़की होती है नामरा से कहती है तुम क्लास प्रेसिडेंट हो, तुम कुछ करते क्यों नहीं। बीच उन दोनों में बहस होने लगती। तभी वहाँ मिस्टर को आ जाते हैं, जो उनके बच्चों के जिम टीचर होते हैं। वैसे ही बच्चों कहता है क्या तुम ठीक हो। तभी मिस्टर काओ सभी को डोर को ब्लॉक करने के लिए बोलता है। तभी इसाक और उन को मिस्टर काओ के हाथ पर काटने का निशान दिखाई देता है, और वह मिस्टर काओ को कहती है तुम इन्फेक्टेड हो, और वह मना करता है। मिस्टर काओ की नाक से खून आने लगता है। तभी मिस्टर काओ ज़ॉम्बी बन जाते हैं, और वह एक लड़की को काट लेता है। सियोक और चोकसान उससे फाइट करने लगते हैं, और वह लड़की भी ज़ॉम्बी बन जाती है, और वह उस क्लास से बाहर आ जाते हैं। जैसे ही वह क्लास से बाहर जा रहे होते हैं, तभी उनके ऊपर काफी सारे ज़ॉम्बी हमला कर देते हैं। सियोक उनसे फाइट करने लगता है। चोकसान खिड़कियों की मदद से उन सभी ज़ॉम्बियों को रोकता है। और इधर हम देखते हैं टेसु को, जो कि पूरा ही गेट उतार कर लेता है, और वह उसकी मदद से आगे बढ़ने लगते हैं, और वह एक क्लास में चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं सारा गैंगसू को ब्लेम करती है, और कहती है तुम्हारी वजह से वह जिम टीचर अंदर आया, और उनके बीच में बहस होने लगती है, और उसे वह भिकमंगा कहकर उसे नीचे दिखाती है। सारा गैंगसू से काफी चिढ़ती थी। अगले सीन में हम देखते हैं एक लड़की टॉयलेट में सिगरेट पी रही थी, जिसका नाम मिजन होता है, और उसी की बगल में एक लड़का और एक लड़की हुई, जिसका हालिम और लुंगसोन होता है। हालिम लुंगसोन से कहती है मुझे सब धुंधला धुंधला सा दिखाई दे रहा है, और यह बात मिजन सुन लेती है। मिजन तभी टॉयलेट से बाहर आता है, लोंगसोन को दरवाजा खोलने के लिए बोलते हैं। जैसे ही लोंगसोन बाहर आता है, तो वह हलीम की गर्दन पर काटने का निशान देख लेती है, और उसे वहीं पर टॉयलेट में बंद कर देती है, क्योंकि वह भी इन्फेक्टेड हो चुकी थी। जैसे ही हालिम ज़ॉम्बी में बदलती है, और वह उन पर हमला करती है, अंडा से हमला करती है, लेकिन वह मरती नहीं, और वह तभी वहाँ पर चंगे रहती है, जिसे वह एरो से उसी गर्दन पार करती है, और वह मर जाती है। तभी हम मिसपाक को देखते हैं, जो अनाउंसमेंट रूम में अनाउंसमेंट करते करते रोने लगती है, और सभी को सेफ रहने के लिए बोलती है, जो वाकई में एक काफी इमोशनल सीन है। तभी हम देखते हैं इसाक चोकसान से कहते हैं क्या तू ओंजो को पसंद करता है। चोकसान नाराज होकर मना करता है। इस बात से ये तो साफ होता है भाई के दिल में भी काफी आग है। इसाक ओंजो से हाथ पर हाथ रख के बात करती है, और कहती है तुझे चोकसान कैसा लगता है। तभी ओंजो कहती है इसाक तेरा हाथ इतना ठंडा क्यों है। तभी इसाक की नाक से जिम टीचर की तरह खून आने लगता है, और जब वह इसाक को बताती है इसाक तेरे नाक से खून आ रहा है, इसाक अपने आप को एक मिरर में देखती है। तभी इसाक को याद आता है वह वहां से भागते हुए एक ज़ॉम्बी उसके पैर पर काट लेता है, और यह सब देखकर ओंजो इसाक गले लगा लेती है।
तभी चोकसान ओंजो को इसाक से दूर करता है और जैसे ही इसाक जोम्बी बनती है चोकसान उससे फाइट करने लगता है और उसे विंडो से नीचे गिरा देता है। इधर हम सियोक को देखते हैं जो जोम्बीज के बीच में फंस जाता है। तभी सियोक के हाथ से एक बॉल गिर जाती है और वह सभी जोम्बी सियोक के ऊपर हमला करते हैं। तभी सियोक विंडो से बाहर किनारे पर खड़ा हो जाता है और इधर हम देखते हैं चोकसान और गैंगसो वाटर पाइप की मदद से सभी को नीचे भेजते हैं जहां उन्हें मिसपाक मिलती है। चोकसान सभी को एक के बाद एक नीचे भेजने लगता है और सभी जोम्बी क्लास में आ जाते हैं और चोकसान उन जोम्बीज के साथ नीचे गिर जाता है। दोस्तों मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।